हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। दोस्तों मैं हूं आकाश मंडल और आप देख रहे हैं यूनिक सेलर मेक योर सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों एक कमेंट, कॉमन कमेंट आ रहा था मुझे कि सर टेक्ला स्ट्रक्चर्स और रैबिट स्ट्रक्चर और साथ ही साथ एडवांस स्टील, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? कई लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर एडवांस स्टील का क्या यूज है, कई लोग बोले टेक्ला का क्या यूज है, कई लोग सोच रहे थे कि रैबिट स्ट्रक्चर का क्या यूज है। तो आज की वीडियो में इन तीनों को क्लियर करूंगा एग्जैक्टली इन तीनों का यूज क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है एंड विच वन इज बेटर, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, बट उससे पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। अभी अभी हम लोगों ने इंस्टाग्राम का मेरा पुराना अकाउंट पता नहीं क्यों बंद हो गया था, नया अकाउंट हमने यहाँ पर बनाया हुआ है और नए अकाउंट को बहुत ही अच्छे तरीके से डेली पोस्ट पढ़ रहे। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते ही होगे तो कनेक्ट हो जाओगे, तो जो भी न्यू मैसेज आएंगे रिलेटेड टू यूनिक सिविल, रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, देखो ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें। हमारे एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो अच्छे अच्छे पोस्टर बना के इस पर डाल रहा है। तो उसे क्या हो रहा है कि आपको नई नई नॉलेज ब्रिक के बारे में, सीमेंट के बारे में सभी कुछ बताता है, मतलब बहुत अच्छा पोस्ट बनाता है। तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो पेज को, और साथ ही साथ आपको डायरेक्ट कुछ मैसेज वगैरह करना हो तो इंस्टाग्राम पे ही कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे आजकल चलाने लगा हूँ, पहले ज्यादा नहीं चलाता था बट आजकल ज्यादा चलाने लगा हूँ, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। एक दूसरा मैसेज भी है, दूसरा मैसेज ये आज यूनिंग में 7:30 पर मैं लाइव आऊंगा, तो आप 7:30 पे आ जाना। अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन रहेगा रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग जॉब, रिगार्डिंग आगे क्या करना है, कुछ भी जो समझ नहीं आ रहा होगा, यू कैन कम एंड आस्क, ठीक है? यूट्यूब पे आएंगे 7:30 पे, फ्री है, इसलिए कोशिश करना कि साथ ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब रैबिट स्ट्रक्चर है, एडवांस स्टील है और टेक्ला स्ट्रक्चर्स है। टेक्ला दो है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं, टेक्ला दो है, टेक्ला स्ट्रक्चर्स है, टेक्ला डिजाइनर है, कभी कंफ्यूज मत होना। टेक्ला स्ट्रक्चर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिजाइनर के बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। वैसे डिजाइनर का काम होता है डिजाइन करने का और टेक्ला स्ट्रक्चर्स का काम होता है डिटेलिंग करने का। दूसरा है रैबिट, रैबिट में भी तीन है, रैबिट आर्किटेक्चर है, रैबिट स्ट्रक्चर है, रैबिट एमईपी है, लेकिन आज की वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो रैबिट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। और बीच में है एडवांस स्टील। एडवांस स्टील में क्या होता है? एडवांस स्टील प्योरली केवल डिटेलिंग का एक ही पार्ट है, इसके कोई अलग अलग पार्ट नहीं है। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रैबिट स्ट्रक्चर का। रैबिट स्ट्रक्चर ये एक 3D डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है, ठीक है? 3D डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है, जैसा आप सबको पता ही ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा है बनाया गया है। इसके अंदर आप पीवी का भी, आरसीसी का भी और स्टील का भी, हर तरह की 3D डिटेलिंग्स जो पहले आप करते थे ना आरसी कैड से, आरसीडीसी से, वो सब क्या होता था ऑटो कैड से, वो सब 2D डिटेलिंग होती थी। ये तीनों सॉफ्टवेयर 3D डिटेलिंग के सॉफ्टवेयर है, तीनों सॉफ्टवेयर 3D डिटेलिंग के हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। रैबिट स्ट्रक्चर भी 3D डिटेलिंग करता है, एडवांस स्टील भी 3D डिटेलिंग करता है और टेक्ला भी 3D डिटेलिंग करता है। तो सबसे जो लोअर लेवल का सॉफ्टवेयर है बिगनर्स के लिए, वो जो सॉफ्टवेयर है जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने के लिए, वो आप रैबिट स्ट्रक्चर के अंदर कर सकते हो। रैबिट स्ट्रक्चर के अंदर आप स्टील की डिटेलिंग कर सकते हो, आरसीसी की डिटेलिंग कर सकते हो, पीवी है तो उसकी भी डिटेलिंग कर सकते हो। प्लगइन वगैरह उसके अलग अलग होते हैं, मैंने आप सबको बताया हुआ ऑलरेडी, जिन्होंने कोर्स वगैरह देखा होगा उसमें तो उन्होंने पूरा पढ़ा होगा। तो इस तरीके से तीनों काम रैबिट स्ट्रक्चर करता है। अब इसमें रैबिट स्ट्रक्चर के अंदर कई ढेर सारे टेम्पलेट्स भी हैं जो कि हम यूज करके फटाफट डायरेक्ट डायरेक्ट काम कर लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए रैबिट स्ट्रक्चर को यूज करो तो बेटर है, ठीक है? अब बात करते हैं एडवांस स्टील का। एडवांस स्टील भी ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है। एडवांस स्टील किसका सॉफ्टवेयर है? ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है। ये स्पेशली स्टील पर कॉन्टेक्ट, मतलब इसका है पूरा का पूरा स्टील का, लेडर्स वगैरह बनाना हुआ, स्टेयर्स अगर किसी अलग अलग तरह के डिजाइन बनाना, सारे टेम्पलेट इसके अंदर सेट है, बोल्ट से अलग अलग, ज्वाइंट से अलग अलग है, सबको कौन सा अपेक्स हिंजेस कहाँ लगाना है, पिन ज्वाइंट कहाँ पर लगाना है, बेस प्लेट कहाँ लगाना है, सारा का सारा इसके अंदर टेम्पलेट सेट है। बस उन टेम्पलेट्स को लेना है और उनका आपको देखना है स्टैंडर्ड क्या है, जो स्टैंडर्ड है कितने एमएम के बोर्ड लगाने हैं, सब लेके फटाफट सेट कर देना है। तो अगर केवल स्टील स्ट्रक्चर पे आप देखोगे तो केवल स्टील स्ट्रक्चर के लिए आप एडवांस स्टील को फॉलो कर सकते हो। मार्केट में इसकी भी काफी जॉब है, रैबिट स्ट्रक्चर की भी जॉब है, एडवांस स्टील की भी काफी जॉब है। फॉरेन में भी मैंने देखा है, दुबई में भी कई लोग मुझे वहां से भी मैसेज करते हैं कि सर सिखा दीजिए। तो एडवांस स्टील मतलब बाहर की कंट्रीज में भी काफी ज्यादा चलता है। और सबसे अच्छी बात यह कि ये भी एक बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा रैबिट स्ट्रक्चर से थोड़ा सा हार्ड जाएगा, तो इस पर भी जॉब है, सो टेंशन नहीं है। अगर आपको डिटेलिंग में ही करियर बनाना है तो एडवांस स्टील को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। और ये रैबिट से अच्छा है
एज पर माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने रैम स्ट्रक्चर को भी चलाया है और इसको भी चलाया है। अब बात करते हैं वन एंड ओनली टिकला स्ट्रक्चर्स। टिकला स्ट्रक्चर्स थोड़ा अलग लेवल का सॉफ्टवेयर है, मतलब इसका मजा अलग है, ठीक है। इसके अंदर डिटेलिंग्स भी, इसके अंदर भी होती है 3D डिटेलिंग्स, बट ये जो 3D डिटेलिंग करता है ना, उसका जो लेवल होता है, मतलब एक एक चीज को ऐसे पिन आउट करता है कि मजा आ जाता है। मतलब बोल्ट के साथ वॉशर लगा रहे हो ना, तो वॉशर को भी कैलकुलेट करके बताएगा कितने वॉशर लगेंगे, इतना बोल्ट लगेगा, आपका जो एक पाइप है वो इतने अगर फीट का है या फिर इतने मीटर का है तो वो उसका वेट कितना होगा वो बताएगा, उसकी थिकनेस कितनी होगी, प्लस आपने ज्वाइंट लगाया है तो ज्वाइंट परफेक्ट है कि नहीं ये भी बताएगा आपको। इसके अंदर रेड, ग्रीन और येलो तीन सिग्नल आते हैं, मतलब जब कनेक्शन लगाओगे तो तीन सिग्नल आते हैं, रेड, ग्रीन, येलो। और रेड का मतलब होता है नमस्ते बोल देता है, बोलता है नहीं हो सकता ये मेरे से, और ग्रीन का मतलब होता है एकदम परफेक्ट है, और येलो का मतलब है चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये तीन तरह के सिग्नल भी देता है रेवी स्ट्रक्चर, सॉरी टेक्ला। टेक्ला मतलब इसके अंदर जो टेम्पलेट्स हैं, साथ ही साथ आप इसके अंदर खुद के भी टेम्पलेट्स बना सकते हो। तो अगर हाई लेवल का प्रोजेक्ट करना है, बड़े लेवल के पीवी में करियर बनाना है आपको, और स्टील स्ट्रक्चर के किसी भी कोर में, फिलहाल तो ये RCC स्टील दोनों के लिए परफेक्ट सॉफ्टवेयर है, बट अगर स्टील स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा आपका प्लानिंग है या फिर RCC में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का आपकी प्लानिंग है 3D डिटेलिंग करने का, तो इन दोनों को बोलो कि तुम लोग थोड़ा वेट करो, टेक्ला को पहला प्रेफरेंस देना, क्योंकि टेक्ला सबसे हाई लेवल का सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर कनेक्शंस ऐसे ऐसे कनेक्शन है कि वो कनेक्शंस दूसरे सॉफ्टवेयर में जल्दी नहीं देखने को मिलते हैं, प्लस इसके अंदर बहुत से टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ये ट्रिम्बल कंपनी का है, ये दोनों ऑटोडेस्क के थे, ये ट्रिम्बल कंपनी का है, और ये जो अच्छी कंपनियां होंगी उन्हीं पर, और साथ ही साथ इसमें पैकेज अच्छा मिलता है। उसका रीजन क्या है, ये सॉफ्टवेयर बहुत हैवी होता है, इसकी कॉस्ट जो होती है अप्रॉक्स 10 लाख रुपीज होती है। अब इतने हैवी सॉफ्टवेयर अगर कोई कंपनी ले रही है, मतलब उस कंपनी का नेट वर्थ जो होगा बहुत ज्यादा होगा, जब बड़ी कंपनी होगी तो पैकेज भी अच्छा होगा। तो टेक्ला अगर पैकेज के अकॉर्डिंग देखा जाए, आप खुद सर्च कर लेना, मेरे उसमें भी लिंक, आप सिर्फ गूगल पे सर्च करो टेक्ला स्ट्रक्चर जॉब, ठीक है, और आपको बहुत से दिख जाएंगे, नीचे पैकेज देखिए, आपको अच्छा पैकेज दिखेगा। अगर अच्छे पैकेज में करियर आपको बनाना है, 3D डिटेलिंग में बनाना है, या फिर कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि डिप्लोमा होते हैं और उनको मन करता है स्ट्रक्चर में करियर बनाने के लिए, तो स्ट्रक्चर में ही स्ट्रक्चर डिटेलिंग में करियर बना लो टेक्ला में। इस पर डिप्लोमा वाले भी जा सकते हैं, बीटेक वाले भी जा सकते हैं, एमटेक वाले भी जा सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ डिटेलिंग करना आपको आना चाहिए। आपको अगर RCC की डिटेलिंग कर रहे हो तो RCC की छोटी छोटी बारीकियां, आपको स्टार्टर बार क्या होता है, ठीक है, और ये सब पे मैं इसमें बहुत जल्दी इस पे कोर्स भी लेके आ रहा हूँ। तो इसके अंदर बहुत डिटेलिंग्स में अगर आप पढ़ के चले गए, अलग अलग टाइप के जो ट्रसेस हैं, उन ट्रसेस के जो टाइप्स हैं, उसमें कौन से टाइप किंग ट्राइप ट्रस कहाँ पे यूज करते हैं, क्वीन ट्राइप ट्रस कहाँ पे यूज करते हैं, सब एक छोटी छोटी बारीकियां, कनेक्शंस कहाँ पे यूज करते हैं, सब कुछ इसके अंदर है। और इसके जो इवन हेल्थ के लिए गाइड्स मिलते हैं, वो भी इसमें भी बहुत कुछ मेंशन रहता है, कहाँ पर कौन सा कनेक्शन क्यों लगाना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है, और उसके बाद जो इसकी डिटेलिंग निकलती है, ऑर्गेनाइजर कमांड एक यूज होती है, उसके अंदर डिटेलिंग निकलती है, और डिटेलिंग ही बहुत खतरनाक होती है। किसी को शेयर करने के लिए डायरेक्ट ये ड्राइंग बना के दे देता है, GA ड्राइंग, सॉफ्ट ड्राइंग्स, एक्शन ड्राइंग, जो ड्राइंग आपको चाहिए सारी ड्राइंग टेक्ला बना के आपको दे देता है। तो अगर तीनों में कंपेयर करें तो लाइक फर्स्ट नंबर जो मिलेगा वो टेक्ला को मिलेगा, सेकंड नंबर जो मिलेगा एडवांस स्टील को मिलेगा, और थर्ड नंबर जो मिलेगा वो रेवी स्ट्रक्चर को मिलेगा। तीनों ही सॉफ्टवेयर बेहतरीन है, बट पैकेज के अकॉर्डिंग एज पर माय एक्सपीरियंस टेक्ला स्ट्रक्चर्स इज बेस्ट, ठीक है। टेक्ला स्ट्रक्चर्स याद रखिएगा, आप लोग कहीं भी सीख रहे हैं तो टेक्ला दो है याद रखिएगा, टेक्ला डिजाइनर एक डिटेलर है, तो टेक्ला स्ट्रक्चर्स जब बोलेंगे तो डिटेलिंग वाला सॉफ्टवेयर आता है। कई लोग कंफ्यूजन में सीख लेते हैं, बाद में पता चल जाए ये तो टेक्ला हमने सीखा था, यहाँ पर कुछ काम कुछ और है, तो आप टेक्ला स्ट्रक्चर सीखोगे, सबसे ज्यादा ओपनिंग टेक्ला स्ट्रक्चर्स पे ही मिलेगी, जिसमें 3D डिटेलिंग का काम करना होता है। रिबार डिटेलर देख लो, सर्च कर लो, 3D डिटेलर सर्च कर लो, और स्ट्रक्चर डिटेलर सर्च कर लो, ऐसी जॉब प्रोफाइल्स मिलती हैं, और अच्छा पैकेज डिप्लोमा बीटेक और एमटेक सब कर सकते हैं टेक्ला के ऊपर। तो ये देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन, होप आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई रेवी स्ट्रक्चर, एडवांस स्टील और टेक्ला, एटलीस्ट इंटरव्यू में गया पूछ लिया भाई इनके बारे में क्या होते हैं, तो अपन बता के आएंगे ना, तो अच्छा लगेगा सामने वाले को भी, आपको नॉलेज अच्छा है। भूलिएगा मत, अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, भूलिएगा मत 7:30 पे मैं लाइव आऊंगा, तो आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे नोट करके आ सकते हो, फटाफट यहाँ पर बता देना, उनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, और कुछ आपको प्रॉब्लम रहेंगी तो एज अ ब्रदर आप मेरे से पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। अब मैं काफी एक्टिव हो गया हूँ बिकॉज मैंने भी लैपटॉप वगैरह ले लिया, तो प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई है। तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, इसको शेयर करिए, जिससे मैं
और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जो जेन्युइन वीडियोस है, जेन्युइन नॉलेज है, वो आप तक पहुंचाता रहूं।